वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग नेवर एंड्स विद गीता। डियर चिल्ड्रन, आज हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट 0.163 इज अ रिपीटिंग यूनिट इनटू पी बाय क्यू फॉर्म। कि इसको जो है ये जो आपका 0.163 है, इसका रैशनल नंबर क्या है, ये किस फॉर्म में है, पी पॉइंट क्यू, मतलब ये किसका आंसर है, पी पॉइंट क्यू का, मीन्स किसको हम डिवाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर है 0.163 रिपीटिंग 63 जो आता है, कि ये पी पॉइंट टू, मतलब व्हाट आर द टू नंबर्स, व्हाट इज द पी एंड व्हाट इज द क्यू। तो इन सच इक्वेशन हम क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू 0.163 बार, है ना। तो एक्स को हमने ले लेना है, व्हाट एवर द टर्म इज गिवन, 0.63 बार, मीन 63 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया, दिस इज फर्स्ट। अब हमने क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। अब यहाँ पे 63 मींस टू डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वन डिजिट रिपीट करता है तो 10 से करते हैं, टू करता है तो 100 से करते हैं, अगर थ्री रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। तो दिस इज फर्स्ट, मल्टीप्लाई 1/100 बोथ साइड्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इसको 100 से किया, ये 100x हो गया, इसको 100 से करेंगे, यानी कि ये डेसिमल टू पॉइंट्स जो है वो आपका राइट साइड चले जाएगा। ओके, यानी ये बन जाएगा 16.3636। जैसे देखो फॉर एन एग्जांपल 0.163 है ना, ये 63 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, है ना। जब भी हम मल्टीप्लाई करते तो दो है, तो ये दो यूनिट्स डेसिमल यहां चला जाएगा। ओके, यानी 6363 रिपीट हो रहा है, यानी 16.3636 आगे रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा। ओके, अब ये बन गया 16.3636, मतलब जो है वो रिपीट कर रहा है। अभी दिस इज द रिपीटिंग यूनिट नाउ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या डैश 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 चला सकते हैं। अब ये इक्वेशन बन गई टू, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिये 100x - x हो गया 99x, और 16.3636 मीन ये रिपीटिंग यूनिट है, इसे हम 0.663 रिपीटिंग यूनिट को माइनस करेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे 16.36 हमारा यहाँ पे 3636 यू है रिपीटिंग यूनिट है। ओके, इससे माइनस करेंगे 0.16363 रिपीटिंग यूनिट। ओके, जैसे इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी माइनस कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये देखो ये सारे सेम है, ये तो जीरो हो जाएंगे, 6 - 6 - 0 = 0, 3 - 1 = 2 हो गया, 16 - 0 = 6, मीन्स वी गेट 16.2 हमारे पास आ जाएगा। 16.20 भी लिख सकते हो, 16.2 भी लिख सकते हो। अब 99x is equal to 16.20, x is equal to 16.20/99, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ कि अब इसको p by q फॉर्म में हम लेकर आएंगे। जैसे अब हमारे पास आ गया x is equal to 60, पॉइंट हटा दिया क्योंकि पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट है, इसको 1/100 कर दिया हमने। ठीक है, हम ऐसे ही सॉल्व, मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे पॉइंट डिवाइड बाय 100 कर दिया, इसका जीरो कट गया, इसका जीरो कट गया। ओके, अब हम कोशिश करेंगे इसको करने का और कैंसिल सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 10, ये और देखो किस पे जा रहा है, 2 8 16 2 1 2। ओके, ठीक है, 2 8 16 2 1 2, अब ये 9 ये कटेगा 9 से, 9 11 99, 9 9 81। अभी आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो x है हमारा वो है न्यूमिरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर इज 55। तो ये आ गया p by q फॉर्म, p हमारा 9 है, q हमारा 55 है, मीन्स 9/55 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.63636 इरेशनल नंबर इसका आंसर आएगा। दिस इज इन द पी बाय क्यू। आई होप डियर चिल्ड्रन यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग नेवर एंड्स विद गीता, एंड प्लीज कमेंट फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, गुड।